वेलकम टू एकेडमी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास इन मैट्रिक एक्सरसाइज फोर पॉइंट 4.7 क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इज टू फोर ए बी इजल टू थ्री हमारे पास यहाँ पर वैल्यून ए प्लस बी जो कि फोर है और ए बी की गिविन है थ्री सॉल्यूशन देखिए ए प्लस बीजिकल टू फोर पहले हम इसके सॉल्यूशन हम लोग लेकर आएंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बी एस मीन के बोथ साइड तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस इजिकल टू फोर को स्क्वायर दोनों को हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो जब ए प्लस बी

को को हम लो, को हम लोग कांस्टेंट डिजिट्स एक साइड लेकर आएंगे, तो सिक्सटीन और माइनस का देखिए सिक्स यहाँ पर प्लस का सिक्स है जब ये सिक्सटीन के पास जाएगा तो ये माइनस का सिक्स हो जाएगा तो सिक्सटीन माइनस सिक्स तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू टेन देखिए हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिविन आ गई टेन सिक्सटीन में से आप सिक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास टेन आंसर आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन पार्ट टू देखें ए माइनस बी इजिकल टू सेवन बी ए बी इजिकल टू थर्टीन सेम हमें स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है उसका पार्ट टू है उसमें यहाँ पर वैल्यू चेंज है ए माइनस बी इजिकल टू सेवन और ए बी की गिवन है थर्टीन सो so, वो ऐसे हम सॉल्यूशन लेंगे ए माइनस बी इज इकल टू सेवन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू सेवन स्क्वायर अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर तो हमें यहाँ पर माइनस का फार्मूला बताएंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर 7 टू सेवन को टू टाइम्स करेंगे तो फोर्टी नाइन तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी की वैल्यू गिवन है थर्टीन तो थर्टीन इन टू थर्टीन यहाँ पुट करेंगे प्लस बी स्का इजिकल टू फोर्टी नाइन ए स्क्वायर माइनस थर्टीन टू जै ट्वेंटी सिक्स प्लस बी इज इक्वल टू फोर्टी नाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अब थर्टी फोर्टी नाइन यहाँ पर है ट्वेंटी सिक्स को हम लोग यहाँ फोर्टी नाइन के पास लेकर आएंगे ताकि कांस्टेंट को कांस्टेंट में आपस में प्लस माइनस कर सकें तो ये माइनस का ट्वेंटी सिक्स है तो यहाँ पर आएगा तो ये प्लस का ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन हो जाएगी 75, 49 में आप प्लस करेंगे 26 तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 75. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 75. पार्ट थ्री ए माइनस बी इजिकल टू फाइव ए प्लस बी इजिकल टू माइनस नाइन यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिये आप यहाँ पर एक माइनस की वैल्यू गिविन है एक प्लस में गिविन है ए माइनस बी और ए प्लस बी जब दो फॉर्म दो किस्म के हमारे पास वेरिएबल गिवन तो टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एक इसमें एक ये भी फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला में से देखिएगा ए b बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये ए, ये भी एक अलजेब्रिक फार्मूला से जो है वो होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं तो देखिए अब हमारे पास सॉल्यूशन देखिए ए प्लस बी, का जो हमारे पास गिवन है 9 9 वैल्यू पुट करेंगे होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की हमारे पास वैल्यू गिवन है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 9 9 को 2 टाइम्स करेंगे तो 81 और देखिए यहाँ माइनस की साइन है माइनस की साइन पर अगर ऊपर स्क्वायर uh, uh, होगा तो ये प्लस uh, की साइन हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है तो 81 प्लस 5 uh, 5 5 25

नाइन को कट करेंगे टू फोर नाइन में से एक बच गया सिक्सटीन तो टू एट सिक्सटीन तो इसी तरह से टू और टू के साथ ये नाइन्टी सिक्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा फोर्टी एट आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ गया फोर्टी एट पार्ट फोर ए प्लस बी इज टू माइनस एट ए माइनस बी इजिकल टू माइनस सिक्स यूजिंग सोल्यूशन देखिए यूजिंग ए प्लस बी स्क् प्लस ए माइनस बी और पावर स्क्वायर देखिए इस यहाँ पर भी ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू गिविन है तो वही हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर का प्लस ए माइनस बी होल पावर स्क्वायर इजिकल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो पुट द वैल्यूज ऑफ दिस फार्मूला ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है माइनस एट और ए माइनस बी की गिवन है माइनस सिक्स इजिकल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट एट को आप टू टाइम्स करेंगे तो सिक्सटी फोर और माइनस की साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो ये इसी तरह ये प्लस का सिक्सटी फोर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू को सिक्स को टू टाइम्स करेंगे तो थर्टी सिक्स आ जाएगा सिक्स सिक्स का थर्टी सिक्स इजिकल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 64 को 36 में प्लस करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा इजिकल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब देखिए टू कोफिशियंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो हम डिविजन यहाँ जो हम लोग 100 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा नीचे डिवीज़न फॉर्म में आ जाएगा तो टू वन जो टू टू फाइव जेन और जीरो ऊपर आ जाएगा तो ये फिफ्टी हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं दोबारा ये लाइन दोबारा रिपीट कर लेती हूँ टू वन जर टू टू फाइव फाइव आ गया और हंड्रेड का एक जीरो बच गया तो ये जीरो फाइव के साथ लग जाएगा तो ये फिफ्टी हमारे पास आ जाएगा ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू फिफ्टी यहाँ आप लोग वैसे भी अगर कैलकुलेटर uh, फॉर्म में भी आप अगर पुट करेंगे टू डिवाइड बाई हंड्रेड तो आंसर फिफ्टी आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टी क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर ए बी वेन ए प्लस बी इजिकल टू नाइन एंड ए माइनस बी इज इकल टू माइनस फाइव तो यूजिंग ए प्लस बी पावर होल पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी पावर होल पावर स्क्वायर इजिकल टू फोर ए बी अब पुट द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इजिकल टू नाइन तो नाइन वैल्यू पुट करेंगे माइनस का ए माइनस बी का माइनस फाइव होल पावर स्क्वायर इजिकल टू फोर ए बी तो Nine, five, so में से five, minus करेंगे ट्वेंटी तो so हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सिक्स तो फोर ए बी का हमारे पास आंसर आ जाएगा फिफ्टी सिक्स द वैल्यू ऑफ फोर ए बी इजल टू फिफ्टी सिक्स पार्ट टू देखें ए माइनस बीजिकल टू एट एंड ए प्लस बी इजल टू माइनस सेवन सोल्यूशन देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी पावर होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी ए प्लस बी का हमारे पास uh, जो हमार है हमारा वैल्यू है माइनस सेवन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस फार्मूला एंड माइनस एट माइनस और एट हमारे पास गिवन है ए माइनस बी की तो होल होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी सेवन सेवन को टू टाइम्स करेंगे तो फोर्टी नाइन और माइनस का एट को टू टाइम्स करेंगे सिक्सटी फोर क्योंकि बीच में माइनस साइन माइनस की है इजिकल टू फोर ए बी फोर्टी नाइन में से माइनस करेंगे सिक्सटी फोर तो हमारे पास माइनस के फिफ्टीन आंसर आ जाएंगे तो फोर ए बी की वैल्यू मिल गई हमारे पास माइनस फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ए बी सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेन ए प्लस बी इजिकल टू माइनस फाइव एंड ए माइनस बी इजिकल टू फाइव तो सॉल्यूशन देखिए यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल पावर स्क्वायर टू फोर ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है वो गिवन है ए माइनस फाइव और माइनस करेंगे फाइव का जो हमारे पास ए माइनस फाइव की ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है फाइव इजिकल टू फोर ए बी माइनस का ट्वेंटी माइनस का ट्वेंटी आप करेंगे तो ट्वेंटी आपस में कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 4AB, तो फोर ए बी इजिकल टू जीरो प्लस बी पावर स्क्वायर क्योंकि देखिए हमारे पास बी स्क्र की वैल्यू मालूम करनी है ठीक है ना तो इक्वेशन वन मिल गई हमारे पास यूजिंग ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही फॉर्मूला हम लोग दोबारा यूज करेंगे अब देखिए माइनस फाइव को मा, दोनों में वैल्यूज पुट करें माइनस फाइव स्क्वायर प्लस इसी करो टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्टी फाइव देखिए ट्वेंटी प्लस बी स्क्र टू को आप कॉमन यहाँ निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्ल टू फिफ्टी फिफ्टी फाइव ट्वेंटी प्लस करेंगे तो फिफ्टी ये हमारे पास इक्वेशन टू मालूम हो गई मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन वन एंड टू इच अदर अब दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन कौन है कौन सी हमारे पास फोर ए बी इजिकल टू जीरो और सेकेंड इक्वेशन कौन है कौन सी है पास? 4A, B, is equal to हमारे सी है पास टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू फिफ्टी तो दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फोर टू जट देखिये फोर टू झा एट ए बी ठीक है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू फिफ्टी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो आंसर आ जाएगा इसलिए इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास आंसर आ गया एट ए बी एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र का देखिए ऊपर जो हमारे फाइंड करना था वही चीज हमारे पास नीचे देखिए इक्वेशंस के थ्रू मिल गई एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू वैल्यू क्या हमारे पास मिल गई जीरो क्योंकि फिफ्टी को आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आंसर आ गया जीरो द वैल्यू ऑफ एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू जीरो

इजिकल टू फोर ए बी फोर को टू टाइम्स करेंगे थर्टी सिक्स ठीक है अब थर्टी सिक्स में से माइनस गया सिक्सटीन तो ये माइनस का ट्वेंटी हमारे पास आ गया तो ये इक्वेशन वन मिल गया हमारे पास फोर ए ए बी टू माइनस ट्वेंटी इक्वेशन वन हमारे पास गिवन हो गई यूजिंग ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर

Uh, जो हमारे क्वेश्चन वन है फोर टू सा एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी में ट्वेंटी में से ट्वेंटी uh, को मल्टीप्लाई करें फिफ्टी टू से तो माइनस वन हंड्रेड फोर्टी तो हमारे पास एट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई इज वैल्यू क्या गिवन हुई हमारे पास माइनस थाउजेंड फोर्टी ये हमारे पास आंसर आ जाएगा

4 को 2 टाइम्स किया 16 और 6 को 2 टाइम्स किया तो 36 ठीक है अब 36 में से माइनस गया 16 तो ये माइनस का 20 हमारे पास आ गया तो ये इक्वेशन 1 मिल गया हमारे पास फोर ए बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी इक्वेशन वन हमारे पास गिवन हो गई यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट द वैल्यूज ऑफ दिस ऑन दिस फार्मूला फोर स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स

यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर होल पावर स्क्वायर इजिकल टू फोर ए बी इसी फार्मूले के साथ हम वही फार्मूला यूज करते आ रहे हैं जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं देखिए वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी फोर स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर ए बी फोर को टू टाइम्स करेंगे सिक्सटीन माइनस थर्टी सिक्स इजिकल टू फोर ए बी फोर को टू टाइम्स किया सिक्सटीन और सिक्स को टू टाइम्स किया तो सिक्स थर्टी सिक्स ठीक है अब 36 में से माइनस गया 16 तो ये माइनस का 20 हमारे पास आ गया तो ये इक्वेशन वन मिल गया हमारे पास फोर ए बी इज माइनस ट्वेंटी इक्वेशन वन हमारे पास गिवन हो गई यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट द वैल्यूज ऑफ दिस ऑन दिस फार्मूला फोर स्क्वायर प्लस सिक्स फोर को टू टाइम्स करेंगे 16 प्लस थर्टी सिक्स टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू सिक्सटीन को प्लस करेंगे 36 के साथ तो 52 हमारे पास इक्वेशन टू मिल जाएगी अब वैसे ही मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू ईच अदर टू फोर सॉरी जो हमारे इक्वेशन वन है फोर टू जो एट ए बी 20, uh, 20 में में से uh, 20 को मल्टीप्लाई करें 52 से, तो माइनस वन हंड्रेड तो हमारे पास 8ab ए बी एक्सर की वैल्यू मिल गई वैल्यू uh, क्या गिवन हुई हमारे पास minus 1040. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई वेन एक्स प्लस माइनस नाइन एंड एक्स वाई इज इकल टू ट्वेंटी सॉल्यूशन यूजिंग x प्लस वाई होल पावर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल पावर स्क्वायर इजिकल टू फोर एक्स वाई देखिए जैसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर या टू ए बी जो भी समथिंग जो भी हमारा फार्मूला हो वहाँ पर होता था इसे यूज करते थे अब यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल्स को थोड़ा सा चेंज uh, किया है उन वेरिएबल्स को लेकिन फार्मूला वही है एक्स प्लस वाई स्क्वायर का

फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटी हमारे पास आ जाएगा अब 80 को हम लोग उस साइड लेकर जाएंगे 81 के पास क्योंकि दोनों डिजिट से उनको जो है वो ताकि हम x- y को जो वैल्यू को फाइंड करना है इसलिए हम लोग इसको एक साइड लेकर आएंगे तो 81 वन माइनस एटी हो जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर तो 81 में से 80 गया हमारे पास वन आंसर आ जाएगा इजिकल टू एक्स माइनस वाई पावर होल पावर स्क्वायर अब देखिए इसकी पावर होल पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैसे हटाएंगे हम लोग आ, इसको हटाने के लिए वन के ऊपर रूट दे देंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा में से होल पावर जो है वो हटाने के लिए हमने वन के ऊपर अंडर रूट दे दिया प्लस माइनस अंडर रूट ठीक है अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास माइनस प्लस की वन सही है यहाँ अंडर रूट वन दे दें, दे दें, दे सेम थिंग तो यह हमारे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन की है 7 और गिवन है जो वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए वैसे का वैसा रखेंगे तो और एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 10, तो सेवन को टू टाइम्स करेंगे तो फोर्टी नाइन माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इजिकल टू टेन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन फोर्टी आ जाएगा हमारे पास आंसर टेन फोर या फोर्टी ठीक है अब x माइनस वाई हमें मालूम करना है तो हम इसको एक साइड लेकर आएंगे और दोनों कांस्टेंट जो डिजिट है हमारे पास है उसको एक साइड लेकर जाएंगे तो ये जो है वो 40 माइनस प्लस का है तो यहाँ जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा फोर्टी नाइन में से माइनस के देंगे फोर्टी तो हमारे पास नाइन आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा अब होल स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे नाइन के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे ताकि होल स्क्वायर एक्स वाई एक्स माइनस वाई में से वाई का होल स्क्वायर जो है वो हट जाए तो अंडर रूट नाइन का अंडर रूट क्या निकलता है हमारे पास थ्री तो इसी वजह से एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस की थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पार्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज टू थ्री प्लस अंडर रूट टू सो सॉल्यूशन देखिए गिवन दैट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज टू थ्री प्लस अंडर रूट टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल होल स्क्वायर अब स्क्वायर फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्क्वायर फार्मूला हमारे पास कौन सा ए प्लस बी और इसका टू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास स्क्वायर फार्मूला फॉर्मूला में स्क्वायर uh, रूट का फार्मूला हमारे पास गिवन होता है आ, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर में मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि हमारे पास अब ए जो है वो एक्स है और बी हमारे पास वन ऑपॉन्ट एक्स है तो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी बी जगह पर वन अपॉन एक्स देंगे प्लस वन अपॉन एक्स रूट है 3 2, तो यही फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर तो थ्री यहाँ पर हमारा ए जो है वो थ्री होगा और बी हमारा अंडर रूट टू होगा तो इसलिए ए स्क्वायर यानी कि थ्री स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी थ्री अंडर अंडर होल स्क्वायर सही है अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये टू वन अपॉन एक्स बच गया और देखिए यहाँ पर टू और टू अंडर रूट टू है अंडर रूट टू अंडर दें तो ये अंडर रूट इसका हट जाएगा पावर टू को कैंसिल करेंगे अंडर से खाली अंडर रूट से तो अंडर रूड और पावर टू आपस में कैंसिल हो तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो जो पीछे हमारे पास हमने जो हमने 3, 2000, जो हमने values put की थी उसको आप multiply करेंगे तो तो का 2, क्योंकि यहां पर था था और इसको था, तो under root इसका पावर के साथ कैंसिल कर दिया था ठीक है तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू नाइन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो इलेवन इलेवन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्सर इज नाइन प्लस रूट टू एंसर प्लस एक्स स्क्स माइनस वन अपॉन एक्स इजल टू अंडर रूट फाइव x minus 1 upon x is equal to under root 5 squaring ऑन बोथ साइड दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे x minus 1 upon x होल स्क्वायर रूट फाइव अब देखिए आप जरूर साइन पर फॉर्मूला यूज करेंगे अगर जो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी अगर प्लस होगा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये डिफरेंस होता है साइन में तो आप माइनस प्लस की जो ये जरूर फोकस कीजिएगा इसमें माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला यूज होगा और अगर यहाँ पर प्लस साइन होगा जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होगा होगा प्लस में तो हम प्लस का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है तो एक्स ए माइनस बी का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे सो so पुट पर एक्स हमारी ए है और वन अपॉन एक्स हमारी पार्ट बी है तो लेट्स वैल्यू ऑफ ए एंड बी

5 को टू से प्लस करेंगे 5, 6, 7, तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन हो जाएगी एक्स स्क् पार्ट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू थ्री सोल्यूशन गिव दैट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू थ्री फॉर्मूला uh, uh, so, है ए प्लस बी होल स्क्का फॉर्मूला ठीक है सो पुट द वैल्यू ए प्लस बी स्क् ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर पुट द अब यहाँ पर एक्स हमारे पास ए है और वन अपॉन एक्स हमारे पास बी है put the वैल्यू ऑफ़ ए एंड बी a x square plus 2 x 1 upon x plus 1 upon x square is equal to 9 3 3 9 3 dekhen 3 ke upar square hai to 3 3 9 इसलिए yahan पे is equal to 9 likha hua hai x square x ke upar square hai 2 x is aapas mein cancel ho 2 1 2 aa gaya plus 1 upon x square 1 yani, upon x ये हमारे पास जो है हमारे पास आ गई इक्वेशन सॉरी हमारे पास ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन में से टू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेवन तो ये हमारे पास वेल्यू गिविन हो जाएगी सेवन

हमारे पास uh, minus two digit है उसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो नाइन माइनस टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर नाइन में से माइनस टू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेवन लेकिन हमारे पास हमें वैल्यू मालूम करनी है एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर की यहाँ पर हमें वैल्यू जो है वैल्यू गिवन हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की तो अभी हमें फोर जब तक ये पावर फोर की वैल्यू नहीं होती तो हमें इस, अब क्या करेंगे हम इसी वैल्यू को दोबारा जो है वो स्क्वायर रूट में लेकर आएंगे स्क्वायरिंग अगेन ऑन बोथ साइड अब हम दोबारा से इसी चीज को दोबारा जो है स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इजिकल टू सेवन स्क्वायर क्योंकि अब अगर हम दोबारा स्क्वायर करेंगे तब जाके x पावर फोर बनेगा अभी हमारे पास ये चीज x स्क्वायर में है सही है तो हम दोबारा से इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर होल पावर स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये स्क्वायरिंग फार्मूला यूज करें ए प्लस बी पावर स्क्वायर प्लस टू ए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला ठीक है तो a स्क्वायर हमारे पास है यानी यहाँ पर x और b की वैल्यू है वन अपॉन एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू एक्स स्क्वायर बी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर स्क्वायर इजिकल टू करेंगे तो फोर्टी आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर पावर एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर आपस में से कट गया यहाँ पे टू वन सा टू हमें मिल गया प्लस वन अपॉन एक्स पावर टू है तो पावर फोर इजिकल टू फोर्टी नाइन ठीक है तो हमारे पास एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर फोर्टी नाइन को माइनस टू, टू करेंगे तो एक्स पावर फोर प्लस वन एक्स पावर फो इस तो 49 से टू फोर्टी में फोर्टी सेवन तो एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर की वैल्यू गिवन हो गई फोर्टी सेवन सो दे कमेंट एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब आवर पेज और आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज uh, में समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख कर भेजिएगा इनशाला हम लोग को सॉल्व करके भेजेंगे थैंक यू सो मच